होगा, पब्लिक रिमांड मिले। पब्लिक रिमांड पुलिस रिमांड से बहुत खतरनाक होता है, मेरी इस बात पे तवज्जो दिया जाए। और याद रखे भाइयों, कोई भी हो, हिंदू की बहन हो और मुस्लिम की बहन हो, बहन बहन होती है, लड़की लड़की होती है। मैं एक लड़की हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तीसरी बात, गाय हम खाएंगे। प्राइम मिनिस्टर जी, आपको हमने मास्टर शेफ का डिग्री नहीं दी है, हमने आपको मास्टर शेफ के लिए नहीं चुना है। गाय खाना तुम्हारी आस्था है कि तुम नहीं खाओगे? तुम तो शाकाहारी हो यार, तुमको मांसाहारी का मतलब क्या मालूम है? तुम क्यों रोक लगवा रहे हो? तुम बैन क्यों लगा रहे हो? 2.5 साल में तुमने ये क्या तांडव कर दिया? अगर ये तांडव है ना, तो याद रखना महादेव का जो तांडव था ना, ये तांडव यास्मीन अरोरा करेगी पूरे हिंदुस्तान के साथ। और याद रखना, पूरी औरतें भारत की काली माँ बनेगी। काली माँ याद है ना, तांडव काली माँ का, माँ पार्वती का याद है ना, एक रूप मैं लूंगी वो। भारतों की औरतों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, घर में केरोसिन होता है, घर में लाल मिर्ची पाउडर होता है, पानी में डालो, रेप करने आते हैं ना, चलो उनको ये करो, पानी उनके आंख पे डालो, केरोसिन डालो और खड़े हो जाओ माचिस लेके, जब तक वो हिजड़ा तुम्हारे घर से नहीं जाए डालो केरोसिन। क्योंकि कोर्ट, कोई भी कानून इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये पब्लिक रिमांड और पब्लिक का कानून है, समझ रहे हो बहनों? अपने आप को सेफ रखो। और मेरे कोई मुसलमान भाई, दलित भाई, अम्बेडकर भाई, सिख ईसाई कोई भी झगड़े नहीं करेगा। और इन कुत्तों को इनकी जात दिखाओ जो झगड़े करवाते हैं। पाकिस्तान जाओ, इंडिया से जाओ, ये करो, भारत को मुसलमान मुक्त करो, तेरे बाप का राज है, भारत मुक्त करेगी तू, हम तेरे को ये साध्वी प्राची से मुक्त करते हैं। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर जी, शायद आपको अंदाजा नहीं है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरी दिमाग की बात आपको बताना चाहती हूँ। ये तारेक को आपने जो रखा है ना, तारेक फतेह को, ये आतंकियों का एक एजेंट है, जासूस एजेंट जो कहते हैं जी, यहाँ की बातें वहां कर रहा है। आप मेहरबानी करें, इसको रफा दफा करें, नहीं तो भारत के टुकड़े ये खुद करेगा। आपको इतना, आप लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि एक मुसलमान खुद इस्लाम के खिलाफ होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये कौन सा मुसलमान है ये तारेक फतेह? इसको बैन करवाओ। और नकवी बैंड है। और मौलवी जी, सब मौलानाओं से मैं कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो आ जाते हैं ना नेता लोग आपके पास वोट मांगने, किसी को वोट नहीं दे, सच्चाई पे चलो, ये हराम का पैसा मत खाओ, हराम का खाना हराम है। और बाबा रामदेव जी, 40 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जमा करके बैठे हो आप, आपको इतनी शर्म नहीं आई? आप हमारी आस्था से खेलते हो, सबके आपके प्रोडक्ट में गौमूत है। भाइयों, जो मुसलमान भाई है जिनके लिए गौमूत हराम है, गोबर हराम है, जो चीज हराम है वो नहीं करो, तो प्रोडक्ट बंद करो। बाबा रामदेव का प्रोडक्ट कोई नहीं खाएगा, गौमूत है। जय हिंद, जय इस्लाम।